ये मैं आपको माइन्यूट चीजें बता रहा हूं, जहां पर आप छोटी छोटी बाइंग करोगे, छोटी छोटी सेलिंग कर सकते हो। देखो मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, अब सेलिंग नहीं होनी है, मैं नहीं करूंगा सेलिंग, मैं तसली से बैठा हूं, मैं बाय की साइड में जाऊंगा, मेरा बाय ही होगा। रीजन क्या है कि देखो अगर मैं इसको घंटे डे में देखो, डे में मार्केट बाय में, इन सबको हटा दो, डे में मार्केट बाय में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा तरीका है, डे में मार्केट बाय में बैठा हुआ है, आप चाहो तो इसका सपोर्ट भी मार्क कर सकते हो। इसका सपोर्ट कौन सा होगा, कोई भी बता दे, ये सपोर्ट है ना इसका, ये सपोर्ट है, और मार्केट सपोर्ट के ऊपर बाय में बैठा हुआ है, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं गया छोटे टाइम फ्रेम पर, मैंने जाके देखा कि आर्ली भी क्या बाय में, देखा आर्ली भी बाय में चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। अगर डे बाय में होता, ऐसे समझो, अगर डे बाय में होता और उस जगह पर मार्केट एक घंटे में भी बाय में जाता, मैं आराम से बाय ले लेता। अभी एक घंटा बाय ही शो कर रहा है मेरे को। अब अगर मैं 15 मिनट में जाता हूं तो क्या मार्केट 15 मिनट में बाय में है? बिल्कुल बाय में है। और 15 मिनट का सपोर्ट कौन सा है? 15 मिनट का सपोर्ट ये वाला, ऊपर वाला, ये मेरा 15 मिनट का सपोर्ट बैठा हुआ है। तो अभी भी मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट बैठा है मेरा और ये एक घंटे का सपोर्ट बैठा है। अब मैं गया 5 मिनट में, अब 5 मिनट क्या बोल रहा है मेरे को, 5 मिनट मेरे को यही सपोर्ट अलाउ कर रहा है, यही सपोर्ट है। अब मार्केट और ये यही आपका, आपको ये भी दिख रहा है सुपर ट्रेंड भी, यही आपको सुपर ट्रेंड भी दिख रहा है। तो अब अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूं तो कम से कम यहां तक तो मैं सेलिंग नहीं करूंगा, एक बार को शायद इसके नीचे जाए तो मेरे को एक बार को सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर इस रीजन में कहीं पर भी 1 मिनट में बाय आएगा तो मैं बाय पे जाना प्रीफर करूंगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? देखो अब मैं जा रहा हूं 1 मिनट पर, बहुत छोटा टाइम फ्रेम, और मेरे को यहां तक और यहां तक डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बीच में कहीं पर भी मार्केट अपने सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलता है, मैं बाय कर सकता हूं आराम से, जैसे ये निकला। अब मेरे को यहां पर कोई सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, हाँ इसके नीचे आएगा तब मैं सोचूंगा, तो मेरा अभी कोई बाय नहीं है और ना ही कोई सेल है। आप ऐसी जगह पर तसल्ली से बैठ सकते हो, ये माइन्यूट ट्रेडिंग होती है थोड़ी सी, ठीक है, मेजर नहीं है, थोड़ा सा माइन्यूट ट्रेडिंग है, इसको समझोगे तो आपको फायदा होगा। आप माइन्यूटली आप देखो, अगर आप यहां से कोई बाय करते, यहां से बाय करोगे, यहां से बाय करोगे, कुछ पॉइंट तो निकल ही आएंगे कि नहीं, छोटे मोटे पॉइंट नहीं होते यहां पर। देखो अगर मैं यहीं से बाय करूंगा, मेरे अच्छे खासे 70 पॉइंट है, और मेरे को कब तक नहीं निकलना, यहां तक। अगर मैं बोलूं कि चलो छोड़ो, मैं यहां से बाय करता हूं और मैं यहां निकल रहा हूं, ये निकल रहा हूं, जब मार्केट इसके नीचे आएगा तब भी मैं 36 पॉइंट अप पे निकल रहा हूं, तब भी मेरे को नुकसान नहीं है बड़ा। अब देखो ये कोई भी बाय नहीं है, कोई बाय आपको दिखाई नहीं दे रही है अभी, अभी आपको आराम से बैठना है और 1 मिनट है। ये सिग्नल आपको बार बार मिलेंगे, 1 मिनट पे ये सिग्नल मिलते जाएंगे आपको। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अभी डाउन में चल रहा है, अभी कुछ नहीं करना, मैंने कुछ भी नहीं करना, इसी चीज को आप लगा के चल सकते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस में, ऑप्शन में भी आपके पास बहुत अच्छा काम करेगा, ऑप्शन के साथ भी आप इसे काम कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शन में भी दिखा सकता हूं इसको, ठीक है। तो टाइटन की बाय है मगर नहीं है, समझे, टाइटन की बाय है, टाइटन बाय में है मगर नहीं है, ऐसे ही आपका टाइटन हो सकता है सेल में होगा, जैसे ये मैं बोल रहा हूं सेल में है मगर नहीं है, सेल में है का मतलब दिख रहा है मेरे को सेल में है मगर नहीं है, राइट है, टाइटन बाय में है लेकिन इस समय नहीं है, मैं वेट करूंगा इसकी बाय में आने की। तो ना तो इस समय टाइटन बाय में ना सेल में, इस समय क्या आपको ट्रेड करना चाहिए या कॉफी बनाने का टाइम है, बताओ, कॉफी टाइम। एक ट्रेडर को अपने कॉफी के लिए टाइम निकालना चाहिए, एक बात का ध्यान सर, रखना। पहले से सर मैंने टाइटन रखा है सर हाँ जी, मैंने तो घड़ी बांधी है, तो 30-30 क्वांटिटी है सर उसमें, अभी प्रॉफिट दे रहा है 2800 रुपया। देखो मैंने तो घड़ी बांध के रखी दी है, राइट है, जी सर, मेरे पास भी है सर, राइट उसको है, क्या करें, निकाल उसको रखे रहे सर अभी? हाँ मैंने तो रखा हुआ है टाइटन, घड़ी हाथ में बांधी हुई है, मैंने तो निकाली, राइट है, हो गए 5 साल तो हो गए, राइट है। हेलो सर, हाँ जी हाँ जी सर, इसकी सेटिंग क्या है, स्टैंडर्ड रखना पड़ेगी, कैसे रखना पड़ेगी किसकी, इसकी सुपर ट्रेंड की? सुप कुछ नहीं रखना, देखो आप इसे किसी से भी, ये कोई ऐसा नहीं है कि सुपर ट्रेंड कोई हवा है, सुपर ट्रेंड के बगैर काम ही होगा, आप इसे किसी भी इंडिकेटर के साथ में यूज कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। देखो मैंने सेटिंग क्या रखी हुई है, आप देखो मैंने 10-3 स्टैंडर्ड ही है ना, कुछ नहीं किया, और मैं आपको दो सुपर ट्रेंड भी बता रहा था, मैं तो एक ही पे काम कर रहा हूं ना,
इसका मतलब आप किसी से भी काम कर सकते हो, राइट है। अब ये जो आपका पॉइंट है, देखो ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट है। क्यों पॉइंट है? अगर मार्केट इसके नीचे चलेगा तो 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएगा ना मार्केट। पॉइंट समझ रहे मेरी बात? 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएगा तो मेरे को कोई इश्यू हो सकता है कि नहीं, छोटा सा, अच्छा सर, एक राइट थोड़ा है। सा और को, हेलो हाँ जी, बोले बोले बोले। सर, ATR और सुपर ट्रेंड में दोनों बेस्ट कौन से हैं? देखो अगर बात करोगे, अगर मैं बोलूं कि ऑडी अच्छी है या मारुति अच्छी है तो क्या बोलोगे? जिसको चलानी नहीं आती, जिसको चलानी नहीं आती उसके लिए दोनों बराबर है, दोनों ही ठोकेगा वो तो, राइट ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि जो जिसको 40 साल हो गए चलाते हुए, कार को चलाते हुए 40 साल हो गए, उसके लिए ऑडी अच्छी है या मारुति अच्छी है, बताओ? नेचुरली ऑडी अच्छी है ना, राइट है। अब केस आपके पास ये आया, अगर आप नए नए हो, नए नए हो तो दोनों बराबर है, किसी से भी काम करो। लेकिन अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए होंगे, आपके 2-3 साल हो गए, उस टाइम पर आपको ATR ज्यादा अच्छा काम करेगा, ये समझे? ठीक है, मैं तो आपको वर्स्ट वाले में काम करके दिखा रहा हूं, बेस्ट वाले में तो काम ही नहीं किया अभी। देखो ये तो वर्स्ट है ना, वर्स्ट का मतलब थोड़ा सा डाउन, वर्स्ट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डाउन। अभी देखो मार्केट इसके, ये मार्जिन लाइन होगी ना मेरी, इस मार्जिन से ऊपर ऊपर इसके ऊपर निकलना चाहिए कि नहीं? लाइव दिखा रहा हूं मैं बिल्कुल आपको, राइट है। अभी ये मैंने जीरोधा से अकाउंट को बंद कर दिया है, जीरोधा से बंद कर दिया है, फायर में अकाउंट मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, जीरोधा इश्यू बहुत करता है तो जीरोधा को मैं हटा रहा हूं, अपने पास से फायर में रख रहा हूं। और फायर ने 1-2 दिन मांगा है मेरे से कि 1-2 दिन आपको चाहिए है अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, उसके बाद हम फायर में अपना वर्क शुरू करेंगे। मतलब आपका एनालिसिस तो सारा इसी में रहेगा, केवल ट्रेड में फायर में ले लूंगा। उसका एक सर, प्लस पॉइंट मेरे को ये, हाँ जी बोले बोले। हाँ एक बार बताऊं सर, जी सर जीरोधा से बेस्ट फायर है सर, फायर मेरे पास भी है। हाँ, देखो फायर मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मेरे को जीरोधा में ऐसा नहीं, जीरोधा खराब है ऐसा मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बेकार है, वो तो मैं बोलता ही रहता हूँ, वो तो मैं बोलता ही रहता हूँ, राइट है। लेकिन देखो मेरे को क्या चाहिए, जो मेरे को चाहिए, मेरे को अपने डिमांड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए ना, डिमांड के अकॉर्डिंग। अब देखो एक एक ट्रेडर को क्या चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ फायर अच्छा है, जीरोधा खराब है, शेयर कान अच्छा है, छोड़ दो सब सब छोड़ दो उन चीजों को। मेरे को एक ट्रेडर को क्या चाहिए, एक ट्रेडर के लिए जरूरत क्या है, राइट है। एक ट्रेडर की जरूरत समझते हैं, एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है और क्या उसकी जरूरत होती है। मेरे पास ये चार्ट है ना, आपको दिख रहा है, ये चार्ट है। ट्रेडर को चाहिए कि वो इससे बाहर ना जाए, नहीं जाना चाहिए ना, इस ट्रेड से बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आप समझो, इक्विटी में मैंने बाय किया, सपोज इक्विटी में बाय किया, इक्विटी बहुत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। देखो ये अभी 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के नीचे आया, 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया, तो अब मेरे को 1 मिनट छोड़ के 5 मिनट के सुपर ट्रेंड पे चले जाना चाहिए या नहीं? जा रहे? अब मैं कौन से सुपर ट्रेंड की वेट करूंगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं सुपर ट्रेंड का वेट करूंगा कम से कम 15 मिनट का, 15 मिनट का मार्क कर ले, तो 15 मिनट का सुपर ट्रेंड ये वाला आ गया, राइट। अब मैं 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के डाउन आने पर मैं क्या वेट करूंगा, इस 15 मिनट से ऊपर ऊपर कहीं पर भी 5 मिनट का सुपर ट्रेंड बाय ले लेना। पॉइंट समझ गए मेरा पॉइंट? कंसेप्ट बता रहा हूं, बड़े अजीब से कंसेप्ट है, राइट है। तो अब जरा पॉइंट पे आते हैं, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा था, देखो एक ट्रेडर को क्या चाहिए, अगर एक ट्रेडर के साथ इशू क्या है, ये मेरा पूरा चार्ट है। इस पूरे चार्ट के ऊपर अगर मैं यहां पर मतलब अपना मैंने ट्रेड लगाया और मैं पोजीशन देखने के लिए जा रहा हूं कहीं पर, और कहीं पर भी मैं सपोज यहां पर जाता हूं, इस जगह जाता हूं, देखो जीरोधा के साथ क्या गड़बड़ होती है, जैसे ही ये करो तो पूरा आधी स्क्रीन तो यहां भर गई, इन सब में भर गई, मेरे को इन सब पे नहीं जाना। फिर अगर मेरे को कोई ऑर्डर डालना है तो फिर मेरे को अलग जाना, पोजीशन अलग देखनी, ऑर्डर क्या लगे वो सब अलग देखने। मेरे को एक ट्रेडर को क्या चाहिए, एक ट्रेडर को इसी के ऊपर चाहिए। अब आप बताओ इसके ऊपर कहीं पर, इसके ऊपर कहीं पर PNL दिख रहा है आपको? सर उसमें उसमें सब दिखता है, सब दिखता है। हाँ नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूं भाई, तभी तो हमें चेंज करना पड़ता है, नहीं तो क्यों चेंज करना पड़ता है, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें चेंज करना है, सर राइट है। एक चीज बता, हेलो हाँ जी सर, एनालिसिस तो सर इससे जीरोधा से ही बढ़िया होता है, बाकी उसमें ट्रेडिंग हाँ अच्छी जी होती हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं जीरोधा को हटा रहा हूं, मैं केवल एनालिसिस सारा हमारा जीरोधा में चलता रहेगा ना,
बस जहां पर ट्रेड होगा वहां पर आपको फायर दिख जाएगा, इतना ही तो होगा, बस यही तो केस होगा, बस इतना होगा, सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, बस जो ट्रेड लेंगे वो फायर में देखेंगे, क्योंकि वहां पर सामने यहीं पर आपको पीएनएल दिख जाता है, बिल्कुल दिख जाता है। तो मैं अगर ट्रेड लोएगा हूं यहाँ पर, तो मेरे को यहीं पर मेरा पीएनएल दिखेगा, आपको भी दिखेगा, खाली मैं ही थोड़े ना, आपको भी दिखेगा ना वो ट्रेड तो। सर उसमें कमोडिटी और ये दोनों एक साथ है सर, एक ही अकाउंट है। अच्छा, एक ही अकाउंट है इसमें, जबकि हाँ अलग अलग होता है, अलग राइट अलग है। है सर। चलिए चलिए, बस देखो काम करना है, किसी में भी करो, सब अच्छे होते हैं, और कहने के लिए सारे खराब है। जब भागने वाले होंगे तो आप किसी को नहीं बचा पाओगे, फायर भी भागेगा, जिरदा भी भागेगा, शेयर खान भी भागेगा, राइट है, भाग जाएंगे सब, नहीं सर कौन उसके बचेगा? बैंक। कौन बचेगा? कस्टमर बैंक, समझे? कौन बचेगा? कस्टमर केयर बैंक। सर्विस अच्छी है उसकी। सब ओके है, सब ओके है। देखो मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा बैंक होता है, सबसे अच्छा बैंक होता है, राइट है, क्योंकि बैंक भागेगा नहीं, राइट है। भागने का मतलब अगर कोई इशू हुआ, गवर्नमेंट का इशू हुआ, कुछ भी हुआ, तो बैंक संभाल लेंगे और हमारा पैसा सेफ रहेगा। लेकिन चाहे आप जीरोदा बोलो, चाहे आप फायर बोलो, कुछ भी बोलो, जब इनके ऊपर इशू आएगा तो आपको पैसा लगा, पैसा निकालना भारी हो जाएगा किसी पे भी। इसलिए अगर आपका पैसा ज्यादा है, ज्यादा पैसा है, तो आप इन ट्रेडिंग ऐप में कम पैसा रखो, अपने बैंक में पैसा ज्यादा रखो। अच्छा, आप क्या करो, अगर आपको लगता है ऐसा, आप एनालिसिस यहां करो, एनालिसिस के लिए किसी ब्रोकर के साथ में चले जाओ, लेकिन जब आप ट्रेड लगाओ तो बैंक अकाउंट में लगाओ, बैंक का जो अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट, उससे आप ट्रेड करो। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मतलब सेफर तरीका है ना। अगर आप छोटा अमाउंट है, आप आराम से किसी भी ब्रोकर के साथ में चले जाओ। आप देखो, कल को अगर मेरा कोई इशू हो जाता है, फायर के साथ इशू हो गया, जीरोधा के साथ इशू हो गया, मेरा पैसा नहीं दिख रहा है, सपोज मैंने 5 लाख रुपए डाले थे, नहीं दिख रहे मेरे को उसमें पैसे, अब मैं जीरोधा पे कर रहा हूं, जीरोधा ने बोल दिया नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप बताओ क्या करोगे, बोल दिया जीरोधा ने, फिर आप अपर रेगुलेटरी को लिखते घूमोगे, राइट। यहां पर आप एक पैसे का भी हिसाब नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये समझिए, ये अगर बैंक कर रहा है तो बैंक को आप एक पैसे का भी हिसाब ले सकते हो उससे या नहीं? एक एक पैसे का हिसाब लोगे, यहां एक पैसे का भी हिसाब नहीं ले सकते आप, यहां एक एक पैसे का हिसाब लोगे, ध्यान रखना। तो आप ज्यादा सेफ तो वहां पर है, पर कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी तो कोई ऐसी बड़ी इशू आए नहीं है, तो अभी चल सकते हो। अब जरा पॉइंट पे आते हैं, देखो ध्यान से पॉइंट को समझना, मैं दोबारा से आपको ये चेक करके बता रहा हूं। ये देखो मेरा 1 घंटे का, 1 घंटे का जो भी ये आपका सुपर ट्रेंड है, आप इसे मार्क कर लो। ये मैंने 1 घंटे का सुपर ट्रेंड मार्क कर लिया, चाहे तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूं यहां पर इस पॉइंट को। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप चाहो तो इसको वर्क करना और इसे किसी भी तरीके से काम करो। ये मैंने रखा 15 मिनट, ये 15 मिनट का सुपर ट्रेंड मेरा ये रहा है, राइट है। इसको करते हैं 15 मिनट, 15 मिनट का सुपर ट्रेंड ये रहा है। अब मैं इस पर भी एक लाइन डाल देता हूं, ये मेरा 15 मिनट का सुपर ट्रेंड है, ठीक है। और अब मैं आ रहा हूं 5 मिनट के सुपर ट्रेंड पर, मैंने तीनों मार्क कर दिए, समझना, कंसेप्ट केवल चेक करना है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अब 5 मिनट का सुपर ट्रेंड कहां पर है बताएं? ये 5 मिनट का है ना, राइट है। देखो मार्केट उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन सुपर ट्रेंड बाय में नहीं है अभी, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर मार्क किया और मैंने यहां पर लिखा 5 मिनट का सुपर ट्रेंड, 5 मिनट। आप देखो मार्केट अभी बाय में नहीं आया, लेकिन मैं इसे क्या चेक कर सकता हूं, मार्केट अपने सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया कि नहीं? आ गया, देखो आ चुका। अब मेरे को क्या चेक करना है, क्या मैं दोबारा 1 मिनट पे जा सकता हूं? हाँ या ना? क्या मेरा बाय बन रहा है? नहीं? बहुत प्यारी टेक्निक, आप बताओ क्यों ना प्रीत जी, अनिल जी, बहुत बढ़िया सर। राइट है। समझ में आया? जितने नए लोग हैं उनको भी समझ में आया ट्रेड करना? नसीम जी समझ में आया? नफरी जी, पंकज जी, जी सर, यस, उत्तम जी, वीरेंद्र जी, विनय जी, सब समझ में आ रहा? सागर जी, रूपाली जी, यस यस सर, रश्मि जी, समझ में आए? ठीक है। आप हाँ देखो क्या हुआ, ये 5 मिनट का सुपर ट्रेंड के इस समय मार्केट ऊपर है, और इसके ऊपर अगर 1 मिनट के सुपर ट्रेंड पे जाता है, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट को मैं सेल नहीं करूंगा। मार्केट अगर 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया, फिर भी ये देखो मार्केट सुपर ट्रेंड पे ने मार्किंग करी, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा मैं एक बाय उठा सकता हूं, राइट है। मार्केट को ऐसे भी समझो, ये सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया, वापस आया, अगर नीचे जाता तो मैं 15 मिनट के सुपर ट्रेंड पे वेट करता ना, पॉइंट समझे?
तो अब मेरा बाय कहां पर आ जाएगा, मेरा बाय अब इसके ऊपर है, जब भी जाएगा इसके ऊपर, यहां पर आप चेक करो मार्केट ने कितनी एन वेव बनाई है। तो मार्केट नीचे आने पर, नीचे आने पर देखो मार्केट यहां आया था, तो ये एन वेव बनाई थी, तो ये एक सपोर्ट हुआ मार्केट का। अब मेरे को देखना है मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट मेरे को मिलना चाहिए, या ऐसे बोलो कि 5 मिनट का सुपर ट्रेंड नहीं टूटना चाहिए। अगर बगैर टूटे मार्केट ऊपर चलता है तो इसके ऊपर मैं अपनी बाय कर लूंगा। जहां पर भी 1 मिनट के अंदर भी आप सुपर ट्रेंड छोटा और बड़ा रख सकते हो, अगर आप चाहो तो छोटा और बड़ा सुपर ट्रेंड काम कर सकते हो। देखो अगर मैं सुपर ट्रेंड लेता हूं, ये सुपर ट्रेंड लेता हूं, और सुपर ट्रेंड को मैंने इसको दोबारा से चेक किया और मैंने 7.73 के बजाय मैंने इसे 10 और 1.5 किया, तो देखो क्या चेंज आता है। 10, 1, 1.5 दोनों में से कुछ भी, देखो मार्केट पहले वाले सुपर ट्रेंड के ऊपर आ चुका, लेकिन अभी दूसरे सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं आया। जैसे ही दूसरे सुपर ट्रेंड के ऊपर आएगा बहुत प्यारा मार्केट चलेगा। तो ट्रेड को समझने का तरीका है, आपके एटीआर से समझो, आप सुपर ट्रेंड से समझो, आप मूविंग एवरेज से समझो। अब मेरे पास केस ही आया कि मार्केट इसे ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। पहला केस तो बाय में आने आ गया, एक प्राइमरी बाय मिल गई मेरे को, 5 मिनट के सुपर ट्रेंड की बाय मिल गई मेरे को, लेकिन अब केस ये है कि इसे ब्रेक करेगा नहीं करेगा। तो अब मेरे मूविंग एवरेजेस हेल्प कर सकते हैं मेरे को, यस या नो, कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस? तो क्या मैं मूविंग एवरेज को चेक कर सकता हूं? हो सकता है क्या यहां पर? अब बस देखना है, देखो बाय आएगी, बाय आएगी, बस मेरे को वेट करना है कि बाय आती है या नहीं आती है, राइट है? बस मार्केट ये नहीं करना चाहिए कि यहां से 5 मिनट के सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर जाए। टाइटन की बाय आपके सामने ही आएगी, और कितनी बाय जाती है ये आप देखना। बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूं एक एक लाइव बाय कैसे आती है, राइट प्रशांत जी? दिख रहा है रामदयाल जी, दिखाई दे रहे? ये देखिए बाय आपकी कब आएगी, किस पॉइंट पे आएगी, ये बाय देखो चलनी शुरू हो रही है, और ये बाय सुपर ट्रेंड के ऊपर आएगी। अभी नहीं है, ये मेरी कोई बाय नहीं है, मार्केट ने मेरे को इंडिकेट कर दिया था यहां पर 1 मिनट में कि मेरी बाय आने वाली है अब, लेकिन बाय मेरी इसके ऊपर आएगी। अभी भी कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो इसका जब बाय आएगा तब मैं बाय में शुरू होऊंगा। अब देखते हैं कितना पॉइंट, कितने बाय आते हैं ये देखते हैं, कितना पॉइंट बाय का। अभी मार्केट चलना शुरू हुआ है, अभी चला नहीं है, अभी देखो नीचे वाला सुपर ट्रेंड आपको बोल रहा है कि आपकी बाय आ गई, या ऊपर वाले सुपर ट्रेंड ने अभी बाय नहीं बोली है। तो अगर एक भी कैंडल अब ऊपर जाती है तो मेरा एक बाय बनना शुरू होगा, और आप टाइटन का बाय देखोगे कितना आता है, आगे बाय, राइट, क्लोज होने दे इस कैंडल को, ऊपर क्लोज होने दे, और उसके बाद एक कोई बाय छोटी पकड़ सकते हैं। देखते हैं कितने पॉइंट बाय के जाते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं। वेट करें, एक कैंडल को ऊपर क्लोज हो जाने, तो ये ध्यान रखना एक कैंडल को ऊपर क्लोज हो जाने देना, तब तक मत करना क्योंकि मार्केट यहां से एक बार को रिटर्न कर जाता है कभी कभी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन आप तब तक इसे सेलिंग नहीं मानोगे जब तक मार्केट इसके नीचे ना आ जाए या 5 मिनट के सुपर ट्रेंड के नीचे ना आ जाए। यह बाय में ही मार्केट बैठा है, अभी बाय में ही बैठा है विद सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट भी है ऊपर, यहां पर सपोर्ट भी है। हाँ जी, वन आवर में रेजिस्टेंस दे रहा है सर ऊपर से, बिल्कुल। अब देखो हम इसको एक काम बोलेंगे ना, हम इसे सिस्टम पे ही छोड़ देते हैं कि नहीं, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, हम सिस्टम पे छोड़ दें कि नहीं, बताओ? छोड़ दें, अपने पास रखते ही, हमारे पास नहीं है भाई इतना दिमाग, मेरे पास नहीं है इतना दिमाग कि मैं इतना सोचूं कि मार्केट कहां जाएगा। अगर इतना दिमाग होता तो मैं सारे ट्रेड लेके बैठ जाता कि नहीं, ठीक है? चलना मार्केट ने, हम मार्केट को छोड़ते हैं बिल्कुल, मार्केट पे अपना दिमाग 1% भी नहीं लगाता मैं, ठीक है? अपने दिमाग को थोड़ा सा बचा लेता हूं। तो अब बताइए मार्केट को हमने बोला इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, ये तो मानते हो कि एक कैंडल कम से कम ऊपर क्लोज हो, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा, चाहे बाय करूं सेल करूं मैं जो करूं, लेकिन इस कैंडल के ऊपर ही मैं बाय की सोचूंगा। अभी देखो मार्केट क्या हुआ है, इसी के ऊपर है, मार्केट को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए ना नीचे, 5 मिनट का सुपर ट्रेंड नहीं करना चाहिए। अब मार्केट आ गया नीचे सुपर ट्रेंड पर, ये आ गया, और मार्केट का ये मार्जिन पॉइंट है, ये मार्जिन पॉइंट है। अगर मार्केट इसके नीचे चलेगा तो मैं 15 मिनट के सुपर ट्रेंड का वेट करूंगा कि नहीं, फिर से वही प्रोसेस में आ जाऊंगा मैं। अब मार्केट देखो अपने सुपर ट्रेंड पर है,
और ये ऊपर का सुपर ट्रेंड है। मेरी बाय कहां पर होनी है, जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तब तक मैं बैठा हूं आराम से। देखो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं कैसे काम होता है, काम आप बड़े आराम से कर सकते हो, इसमें आपको टेंशन लेने की कम जरूरत पड़ती है। जी सर,